हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, जीवन में लगातार हम काम करते जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और इससे जो है एक उबासी सी आने लगती है और जीवन में हर्षोल्लास नहीं रहता। लेकिन फिर बीच बीच में कई सारे तीज त्यौहार आते हैं, होली दिवाली आती है, कई बार कई मेले भी लगते हैं। जीवन के इस नीरसता को दूर करने के लिए ही शायद हमारे पूर्वजों ने ये सारे तीज त्यौहार मनाए होंगे। परंतु आजकल तो एकल परिवार हो गए हैं और जो घर है वो अलग अलग हो गए हैं, जहाँ काम करते हैं वहीं हमें रहना होता है और इस तरह से जो पहले के तीज त्यौहार है वो भी शायद कहीं ना कहीं उसमें उतना हर्षोल्लास हमें नहीं मिलता। ऐसे में हम अगर गार्डनिंग को अपना शौक बना ले और अपना एक छोटा सा टेरेस गार्डन या आंगन में छोटा सा गार्डन बना ले तो शायद इन सब कमियों को हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की झलक दिखाता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मुझे भेजा है सोनल भाटिया ने, जो कि राजस्थान के झलावर ज़िले से हैं। सोनल MSc की स्टूडेंट है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ गार्डनिंग के शौक़ को भी जारी रखे हुए हैं। सोनल के वेस्ट मटेरियल गार्डन में हमें राजस्थान की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं सोनल के साथ और उन्हीं से सुनते हैं उनके गार्डन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनल भाटिया झालावाड़ राजस्थान से आज मैं अपने आपके साथ एक छोटा सा गार्डन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। यहाँ से मेरा गार्डन शुरू होता है, ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो पेड़ों के बीच में जुगाड़ कर एक डंडे से हैंगिंग बास्केट लटकाई है। ये मैं 20-20 रुपीज़ में लाई थी। यहाँ पर मैंने कुछ टॉफ़ी के जो वेस्ट डिब्बे होते हैं, जो हमारे घर में यू ही पड़े रहते हैं, उनको काट कर उनको पेंट कर उसमें U4B की कटिंग्स लगाई थी। अब मैं आपको अपने घर के अंदर ले जा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक केन को काट कर मैंने ये एलिफेंट प्लांटर बनाया है। इसको मैंने पेंट करके एलिफेंट का रूप दिया है। यहाँ पर डेविल्स बैकबोन और एरिका पाम मैंने यहाँ पर लगाया है एंट्रेंस के दोनों तरफ, और यहाँ पर मनी प्लांट की टॉपियारी बनाई है एल्यूमिनियम के तार से। ये मेरे घर की एंट्रेंस है। यहाँ पर मैंने, ये मेरे घर का सबसे प्यारा कॉर्नर है, इसमें मैंने तीन जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है उन्हें काट कर और उन पर POP से काम करके इस तरह का बनाया है, और इनमें मैंने पार्क से लाई हुई कटिंग लगाई है लालसा की। ये भी एक प्लास्टिक का डिब्बा था जिस पर मैंने POP से काम करके इस तरह की डिज़ाइन बनाई है, राजस्थानी लुक दिया है, और इसमें सिंगोनियम की कटिंग लगाई थी। ये मेरा मनी प्लांट है जो एक वेस्ट बाल्टी में लगा हुआ है। यहाँ पर मनी प्लांट की मॉस स्टिक भी मैंने एक डंडे पर जूट रोप को लपेट के बनाई है। ऊपर जो फ्लावर लगा रखा है ये भी मैंने प्लास्टिक बोतल से बनाया है। ये मेरा नीचे का गार्डन है। ये मेरा छोटा सा गार्डन है जहाँ पर मैंने एक स्टैंड रखा है और बाकी स्टैंड्स को मैंने कुछ बाहर से पट्टी लाकर मैंने जुगाड़ से नीचे स्टैंड बनाए हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो प्लांट्स लगा रखे हैं वो वेस्ट मटेरियल में लगा रखे हैं, जैसे कि घी के डिब्बे होते हैं, इस पर मैंने गुलदावरी कटिंग, मैं आसपास से मटकियाँ ले लेती हूँ, उस मटकियों में मैं आसपास से कटिंग लेकर उनमें पेंटिंग करके इस तरह से अपनी बगिया को सजाती हूँ। इस तरह से मैंने मटकी को पेंट करके इसमें कटिंग लगा दी थी जो कि बहुत अच्छे से चल रही है। ये कैलेनकोई का प्लांट है और इस गमले पर भी मैंने POP से पेंटिंग कर दी थी जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगती है। ये भी एक घी का डिब्बा था जिसे मैंने पेंट करके उसमें गुलदावरी की कटिंग लगाई थी जिसमें बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। ये भी एक घी का डिब्बा था जिस पर मैंने एमसिल से डिज़ाइन करके इसमें मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग्स लगा दी थी।
ये एक गुल्लक थी जो कि फूट गई थी, इसमें भी मैंने पेंटिंग करके इसमें भी मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग लगा दी। ये एक फेविकोल का डिब्बा था, इसे मैंने कट कर कर इस पर मैंने तार से एक हैंडल बना दिया और इसमें भी मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई थी। ये केन भी मैं आसपास के लोगों से लेकर इस पर मैंने क्रोपोस्मा का प्लांट लगाया है और इसको मैंने पेंट नहीं किया है, नेचुरली प्लांट है ये। मेरा एक डस्टबिन ख़राब हो गया था, इसमें मैंने वडेलिया की कुछ कटिंग्स लगाई थी जो कि अच्छी तरह फैल गई है। मैं आसपास से कटिंग्स लेती रहती हूँ। इसमें मैंने गुलदावरी की कटिंग भी लगाई थी। ये भी एक ऑयल कैन थी जिसको मैंने एक हंस की तरह काट कर इसमें मैंने प्लांट लगाया है। ये भी एक वेस्ट डस्टबिन था जिसमें मैंने यूफोरबिया का प्लांट लगाया है। इस तरह के वेस्ट डस्टबिन को पेंट कर कर देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और मेरे प्लांट भी अच्छे से चलते हैं। ये एक पेंट की बाल्टी थी जिस पर मैंने सीड से कुछ नीम के पौधे, करी लीव्स के पौधे लगाए थे जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये भी एक घी का डिब्बा है जिसमें मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं। ये एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें मैंने टर्टल वाइन लगाई थी। ये एक तगारी मैंने पास से ली थी और इसी में मैं अपनी जो भी कटिंग्स या फिर जो भी सीडलिंग्स होती है वो मैं इसमें लगा देती हूँ। अब मैं आपको अपने ऊपर वाले गार्डन में जा रही हूँ। ये मेरी सीढ़ियों पर रखा हुआ है मैंने। यहाँ पर एक लकड़ी का जो तख्ता आता है उसका यूज़ करके मैंने 3 मनी प्लांट रखे हैं यहाँ पर, और ये मनी प्लांट भी वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं, जैसे कि एक वेस्ट कप होता है चाय कॉफ़ी का, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, इन सब मैंने मनी प्लांट लगाकर सीढ़ियों पर रखे हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर भी वेस्ट मटेरियल में मैंने स्पाइडर प्लांट्स की कुछ बेबी प्लांट्स लाई थी और वही मैंने लगाए हैं। ये बेबी टीयर का प्लांट है, इसको भी मैंने वेस्ट जो घी के डिब्बे होते हैं उसमें लगाया है। अब ये मेरा बालकनी गार्डन है जो अभी अभी मैंने बनाना चालू किया है, इसलिए यहाँ पर थोड़े प्लांट्स अभी कम हैं। इसे मैंने अभी अभी बनाना चालू किया था, ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं, सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं बने हुए। यहाँ से मेरा बालकनी गार्डन स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो आसपास से मैं गमले ले लेती हूँ, गमलों की बहुत कमी होती है, इसलिए मैं जहाँ तक हो सके आसपास के लोगों से गमले अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ गमले तो मैं जब प्लांट्स लाई थी उनके साथ ही लाई थी, और ये जो 3 मटकियाँ हैं, इन तीनों मटकियों को मैंने किसी से लेकर इस पर पेंट कर और इसमें अपने कटिंग्स लगा दी थी। यहाँ पर मैंने गार्डन को जिन चीज़ों से भी डेकोरेट किया है वो सभी मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाई है। मुझे गार्डन को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, इसमें मेरी दीदी भी मेरी हेल्प करती है। ये जो एलिफेंट है ये मैंने एक टॉफ़ी के डिब्बे और पीओपी से बनाए थे, और उसमें मैंने टर्टल वाइन लगाई थी थोड़ी सी और वो अच्छी तरह फैल गई है, और मैंने गुलदावरी की कटिंग भी लगाई थी इसमें। यहाँ पर भी मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं जैसे यूफोरबिया और भी दूसरे प्लांट्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। ये भी एक ऑयल का जो घी का डिब्बा आता है उसमें मैंने उसकी गुलदावरी की कटिंग लगाई थी, इसमें भी बहुत अच्छी कलियाँ आ रही हैं। मैं पेंटिंग करने के लिए ऑयल पेंट यूज़ करती हूँ, काफ़ी लंबे चलते हैं, और इसमें मैं स्टेनर्स भी मिला लेती हूँ जिससे आप अलग अलग तरह के कलर बना सकते हैं। इस तरह से पेंटिंग करके डिब्बे सुंदर भी लगते हैं और हमारा गार्डन भी सज जाता है। यहाँ पर मैंने एक वेस्ट डिब्बे में यहाँ पर चमेली का पौधा लगाया है जो कि अच्छे से चल रहा है, यह भी लगाया है मैंने। इसमें मैंने एक बीज डाल दिया था कॉस्मोस का और वही उगाया है इसमें। ये मेरे गार्डन की सबसे सुंदर चीज़ है, ये मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से बनाया है रेबिट, ये YouTube पे वीडियो देखकर ही मैंने बनाया था। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये शैम्पू की जो बोतल आती है, शैम्पू की, डेटोल की जो बोतल आती है, उनको काटकर मैंने एक
राजस्थानी कपल का रूप दिया है और इसमें मैंने जो पोर्चुलका आती है उस वो लगा रखा है, लेकिन अभी वो डोरमेंसी में है। ये एक प्लास्टिक बोतल है, इसमें भी मैंने पोर्चुलका और पर्सलिन की कटिंग्स लगा रखी थी। ये मैंने एक वेस्ट मटेरियल से बनाई हैंगिंग है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये मैंने प्लास्टिक की जो बॉटल्स आती है उन्हें कट कर कर और जो पेंट का ढक्कन आता है, पेंट की बाल्टी पे जो ढक्कन आता है उसमें मैंने इन सबको लटकाया है। इसमें मैं थोड़े टाइम बाद प्लांट्स लगाऊंगी, पर्सलिन वगैरह, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे। फिर इस पर मैंने ऑयल पेंट से पेंटिंग कर दी। ये मैंने कुछ हैंगिंग्स बनाई है, ये मैंने प्लास्टिक बोटलों को कट कर कर और उसको डेकोरेट करके बनाई है। ये भी जो वेस्ट बोटल्स होती हैं और वेस्ट जो भी मेरे पास प्लास्टिक होता है उससे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे सजाने की कोई चीज़ बना लूँ। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और सस्ते में भी बन जाती है। ये प्लांट है बेल है जिसको मैंने सरिये के सहारे ऊपर चढ़ा रखा है। ये भी एक मटकी है, इसको मैंने पेंट करके इस पर डिज़ाइन कर दी और इसमें मैंने चंपा का प्लांट लगाया है जो भी डोरमेंसी में है। ये एक प्लास्टिक की तगारी थी, इस पर मैंने कई तरह की कटिंग्स लगा रखी है जैसे केलन कोए, डेविल्स बैकबोन, पर्सलेन, पर्पल हार्ट। ये एक सुदर्शन प्लांट है जो कि मैंने ऑयल कैन में लगा रखा है। ये प्लांट मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था और इसको मैंने इसमें लगा दिया था, जो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। ये मैंने जुगाड़ से एक स्टैंड बनाया है, एक प्लास्टिक की शीट को इस पर रखकर मैंने मटके रख दिए हैं। इन मटके पर मैंने पेंट करके और इन पे डिज़ाइन कर दी और इनमें मैंने गुलदावरी, सुदर्शन के कुछ बेबी प्लांट्स और कटिंग्स लगा दी। इस तरह से हमारी बगिया बहुत ही रंग बिरंगी भी लगती है और दिखने में सुंदर भी लगती है। ये स्टैंड भी मैंने पास में पड़ा हुआ था किसी के यहाँ पर जो कि सही हालत में नहीं था, उसको मैंने लेकर और उसमें अच्छी तरह मैंने पेंट वेंट करके उसे रिपेयर कराया और अब देखो ये स्टैंड कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें मैंने ये मटकी है, इस मटकी को काट कर मैंने इसमें गुलदावरी की पौधा लगाया था, कटिंग्स लगाई थी मैंने गुलदावरी की जिसपे बहुत खूबसूरत फूल आ रहे हैं। यहाँ पर एक टोकरी थी वेस्ट, इसमें मैंने जो रेन लिली आए होते हैं उसके बल्ब में लेके आई थी कहीं से, वो लगाए थे। ये रियो प्लांट है, इसकी भी मैं वो लाई थी बेबी प्लांट्स, कटिंग्स लाई थी और वही मैंने यहाँ पर लगाए हैं। ये केलेनकोई का प्लांट है, तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है, छोटा सा गार्डन है जो अभी अभी और बहुत बनना बाकी है, आगे बहुत बढ़ने वाला है। धीरे धीरे मैं इस पर काम कर रही हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं टाइम लगा देती हूँ इसमें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।